हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 14.3 सॉल्यूशन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। इन प्रीवियस एक्सरसाइज वी हैव लर्न्ड अबाउट द फैक्टराइजेशन। नाउ वी विल यूज फैक्टराइजेशन इन दीज क्वेश्चंस आल्सो। ओके, फर्स्ट देखिए 28x रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 56x। इसको हम कैसे नोट करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में। 28 रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 56x। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड करना है हमें। दो तरीके आपके पास है, लेकिन आप ये वाला तरीका करिए। दोनों बता, मैं आपको दोनों दूंगी। इसमें देखिए, एक्स रेज टू पावर यहां पे 4 है, यहां पे एक्स रेज टू पावर 1 है। अगर आप x रेज टू पावर 4 और जब डिनोमिनेटर में कुछ होता है उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। ये हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले चैप्टर में किया था। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, पहले इनको कट कर लेते हैं। 28 वन जा 28 टू जा, और यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 1/2 एक्स रेज टू पावर 4। जब हम x को लेके जाएंगे इसकी पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो पावर ये माइनस में हो जाएगी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहां पे हमारे पास क्या आया, 1/2 एक्स रेज टू पावर 3। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरे में आपको सबके फैक्टर करने होंगे। 2 × 2 × 7 × x × x × x × x 4 टाइम्स नोट किया, फिर 56 को करेंगे तो 1/2 और आ जाएगा एक्स्ट्रा, बाकी एज इट इज रहेगा इनटू एक्स। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल। तो यहां से हमारे पास क्या आया, एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 2। सेम आंसर है इसमें और इसमें। अब कहां पे प्रॉब्लम आएगी, जब ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा तो वहां पे आप ऐसे करते, ऐसे करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। तो बेटर ये है कि आप इसमें करिए, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर में यहां पे 1 है, जब हम न्यूमरेटर में इसको लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ओके, और आपकी मर्जी है, जिससे भी आप करना चाहे उससे कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, -36 वाई रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 9y². 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 9, यहां पे वायर रेस्ट पर 2 है, यहां पे 3 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, −4y³ −2 करेंगे तो 1। ठीक है, आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है तो यहां पे डायरेक्ट नोट करिए। देन थर्ड पार्ट देखिए, 66pq² r³ डिवाइड बाय 11q r² 11 × 6 = 66। यहां पे देखिए p कैंसिल नहीं होगा, एज इट इज रहेगा p। देन q रेज टू पावर यहां पे कुछ नहीं है, मीन्स 1, 2 माइनस 1 1, q रेज टू पावर 1। देन r में देखिए, r रेज टू पावर यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो यहां पे क्या आएगा, r रेज टू पावर 1। दिस इज आवर आंसर। ओके, टू पार्ट्स यू विल ट्राई योर सेल्फ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको डिवाइड करना है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल, लेकिन अब हमारे पास क्या आएगा, पॉलीनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल। अब उसको देखते हैं, तरीका हमारे पास सेम रहेगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे हम सबसे पहले, डिवाइड बाय 3x। अब देखिए, ये आपको पता है कि अगर ये डिनोमिनेटर में है, मीन्स ये दोनों के साथ है, सो हम यहां पे सेपरेट करके लिखेंगे इसको। कैसे, 5x² −6x, 5x² के साथ भी 3x और 6x के साथ भी। ओके, जो एलसीएम होता है, जब हम एलसीएम लेते हैं तब ऐसे ही तो करते हैं, दोनों नंबर से करके देखते हैं हम। लेकिन यहां पे ये 3x है, आपको दोनों टर्म्स, दो है, तीन है या इससे ज्यादा है, सबके साथ ये नोट करना है। अब यहां से देखिए, एक्स एक्स कैंसिल, 3 × 1 = 3, 2 = 2, यहां पे क्या आया, 5/3
एक्स रेज टू पावर यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो ये क्या आया एक्स माइनस 2। ओके इजी है ये, सिर्फ हमने क्या किया है दोनों टर्म्स के साथ जो डिनोमिनेटर में उसको नोट किया, सेम हम इसमें करेंगे। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि डायरेक्ट सभी टर्म्स के साथ नोट कर दो, वो भी कर सकते हो, उसमें आपकी मर्जी है। ये डिवाइड बाय y रेस टू पावर 4 3y 8 डिवाइड बाय y 4 माइनस 4y 6 y रेस टू पावर 4 प्लस 5y 4 डिवाइड बाय y रेस टू पावर 4। ये कैंसिल हो गया, अब यहां पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हम नोट करते हैं 3 रेस टू पावर y रेस टू पावर 8 माइनस 4 करेंगे तो 4। अगर आपको करना है ये माइनस ऐसे करके दिखाना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्लस 5 3 रेस टू पावर 3 × y रेस टू पावर 4 माइनस 4y रेस टू पावर 2 प्लस 5। दिस इज आर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये ब्रैकेट के बाहर 8 है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके 8x³y² z² प्लस 8 इसके साथ भी आएगा और इधर भी आएगा x² y³ z² प्लस 8x² y² z³ डिवाइड बाय 4x² y² z² देन यहां से हमारे पास अब सेपरेट टर्म में आपको करना है 8x² y³ z² प्लस 8x² y² z³। अब देखिए यहां पे ये मैंने दूसरे तरीके से किया है लेकिन आप फैक्टराइज वाला जो आपको कराया गया था वो वाला तरीका यूज कर सकते हो। अब ये सॉरी सेपरेटली नोट करना था, ये तो सेपरेटली आपको नोट करना है 4x² y² z² यहां पे 4x² y² z² अब देखिए वाई स्क्वायर ये कैंसिल जी स्क्वायर कैंसिल 4 × 4 = 2 × 4 × 4 = 2 ये कैंसिल होगा हर जगह पे x² z² कैंसिल यहां पे x² y² कैंसिल क्या आया हमारे पास 2 एक्स रेस टू पावर यहां पे 3 है यहां पे 2 है ओके क्या बचा x प्लस यहां से 2y यहां से 2z और यहां से अगर कॉमन लेना चाहो तो 2x + y + z। अब इसको मैं आपको बता दूं कि दूसरे तरीके में फैक्टराइज वाले तरीके से कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा 8 को मल्टीप्लाई मत करिए, डिवाइड जब हम करेंगे यहां से देखिए मैं एक बार इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नोट करती हूं y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइड बाय 4x² y² z² 4 × 4 = 2 × अब यहां से देखिए जो आपको बताया गया था सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं क्या कुछ कॉमन है या नहीं है, तो इसमें आपको कॉमन दिखेगा, क्या कॉमन दिखेगा आपको लेनी है मिनिमम पार, तो मिनिमम यहां से क्या है x² y² z² ये यहां से कॉमन आ गया तीनों टर्म से। ओके तो अंदर क्या बचा यहां पे x प्लस यहां पे y और यहां से z डिवाइड बाय x² y² z² ये कॉमन लेना कैसे, मैंने आपको बोला था कि जो मिनिमम पार होती है वो हम कॉमन लेते हैं x² यहां पे 3 यहां पे 2 यहां पे 2 तो मिनिमम कौन सी है 2 तो x² 2 कॉमन लिया देन y में 2 3 2 यहां पे भी 2 कॉमन है y² 2 और z² 2 2 3 तो यहां पे 2 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा यहां पे x² 1 बचेगी यहां पे y² और यहां पे z² 1 अब ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया हमारे पास क्या आ गया x + y + z। ओके ये वाला तरीका है फैक्टराइज जिसे हम करते हैं वो और एक्चुअल में हमें यूज भी यही करना है
लेकिन आप अगर ये वाला करना चाहते हो ये भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ फिफ्थ पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। यहां से देखिए, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डिवाइड बाय टू एक्स। अब इसमें आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, यहां पे एक्स क्यूब एक्स की पावर टू एक्स की पावर वन, तो क्या कॉमन आएगा, एक्स की पावर वन। अंदर क्या बचेगा, विद इन ब्रैकेट एक्स रेज टू पावर वन बाहर आ गई तो टू, यहां पे वन बाहर आई तो वन, टू भी बचेगा प्लस थ्री, क्योंकि एक्स हमने आउटसाइड द ब्रैकेट ले लिया, डिवाइड बाय टू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाय टू। ओके, इससे स्टेप कम हो जाते हैं इस टाइप से अगर आप करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। अब यहां पे आपको मिक्स करके मिलेंगे क्वेश्चन, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी और मोनोमियल भी। ओके, अब इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इजी है ये वाला, 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 5। यहां से कॉमन क्या आएगा, सेपरेट करके भी आप इसको नोट कर सकते हो, 10x बाय 5 माइनस 25 बाय 5, 5 वन जा 5, 5 जा 5, 1 जा 5, 2 जा, क्या है हमारे पास 2x माइनस 5। अगर कॉमन लेके करते तब भी ये ऐसे ही होता, यहां से 5 कॉमन आता और फिर ये विद इन ब्रैकेट और डिवाइड बाय 5 कैंसिल होके 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 2x माइनस 5। यहां से कॉमन लीजिए पहले। अब इसमें नेसेसरी है कि अगर यहां पे टू टर्म्स है, अगर यहां पे मोनोमियल नहीं है कोई भी टर्म है, तो वहां पे आपको कॉमन लेना ही लेना होगा। ये नहीं है कि आप इसको डिवाइड करके करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो आपको कॉमन लेना, दैट इज बेटर वे। तो यहां पे 10x माइनस 25, यहां से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि 10 और 25 में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप इनका HCF लीजिए। और HCF में आप कैसे कर सकते हो, इसको हम कैसे करेंगे, 5 से जाएगा, दोनों नंबर से ये डिवाइड होना चाहिए, 5 टू जा 5, 5 जा। अभी कॉमन नहीं है, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये HCF हो गया, 5 आ गया। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम कैसे करते हैं, तो इसको आप डिवाइड करिए, 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आया, 2x माइनस 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आया, 2x माइनस 5 ये डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहां पे, सिर्फ 5। अब इधर देखिए, इसमें 10y डिवाइड बाय सॉरी 6y प्लस 21 विद इन ब्रैकेट डिवाइड बाय 5 2y प्लस 7। अब यहां पे हमारे पास कॉमन आएगा, 6y प्लस 21 है, तो वेरिएबल तो कुछ आएगा नहीं हमारे पास, क्या कॉमन आएगा, सिर्फ यहां से 3 कॉमन आएगा, 10y इंटू 3 कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट हमारे पास क्या बचा, 3 टू जा 6 2y प्लस, और 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 डिवाइड बाय 5 इंटू 2y प्लस 7, ये भी कैंसिल हो गया, ये विद इन ब्रैकेट, और 5 वन जा 5 टू जा, दैट इज इक्वल टू 3 टू जा 6y। ओके, देन इसमें देखिए, 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3z माइनस 24 डिवाइड बाय 27xyz माइनस 8। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो क्या, पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, यहां पे 9 वन जा 9 थ्री जा, यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x है, यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे 1 है, तो क्या आएगा, यहां से 2 माइनस 1 2 माइनस 1 एक्स वाई आएगा सिर्फ। ओके, थोड़ा सा ये शॉर्ट हो गया, डिवाइड बाय 3 डिनोमिनेटर में, और उसके बाद क्या है, z माइनस 8। अगर आप चाहो तो ऐसे कैंसिल कर लीजिए, यहां पे इसकी पावर 1 है, यहां पे 2 है, तो क्या बचेगी, 1, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता है। यहां से 3 कॉमन आया इंटू, क्या बचेगा अंदर, z माइनस 28 को 3 से डिवाइड किया तो
ये कैंसिल हो गया, अब थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास सिर्फ एक्स वाई, दिस इज आर आंसर। ओके नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में करेंगे नोट, अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि कैसे कॉमन लेंगे हम, तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसमें देखिए 3a-12 है, यहाँ पे 5b-30 है, 3a-12 यहां से 3 कॉमन होगा और 5b-30 यहां से 5 कॉमन होगा। अब देखते हैं हम, पहले इसको कैंसिल करते हैं हम, 12 8 जा 12 12 जा 4 2 जा 4 3 जा 2/3 आया, एबीसी एज इट इज रहेगा 2abc और यहां से क्या कॉमन आएगा 3, तो इनटू 3, a-12 को 3 से डिवाइड किया तो 4, यहां से 5 कॉमन आएगा 5, b- इसको डिवाइड किया तो 6, डिवाइड बाय 3 इंटू a-4 इंटू b-6। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल किया हमने, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास आंसर आया 5 2 जा 10 abc, दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एज डायरेक्टेड। इसमें आपको, अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा इसमें कि कैसे हमें सॉल्व करना है ये। 5 2x+1 फर्स्ट वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन यहां पे देखिए डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, क्या आंसर आ गया 5 × 3x+5, दिस इज सिंपल। देन 26xy, x+5 y-4 डिवाइड बाय 13x(y-4), यहां से ये कैंसिल हो गया, 13 2 जा x से x कैंसिल हो गया, क्या आया 2y और ब्रैकेट में x+5। इजी है ये क्वेश्चन। नाउ थर्ड पार्ट में देखिए, इसमें भी डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इसको हम कैंसिल करते हैं, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, और ये 52 2 जा 104, q प्लस r ये वाला कैंसिल, r प्लस p ये कैंसिल, क्या आया हमारे पास 1/2 p+q, दिस इज आवर आंसर। ओके दिस इज फोर्थ पार्ट, 20y+4y² + 5y+3 डिवाइड बाय 5 × y+4, ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 4 जा, क्या आंसर आया हमारे पास 4 × y² + 5y+3, दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ, दिस इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। फर्स्ट पार्ट देखिए, इनमें आपको क्या करना है, पहले फैक्टराइज करना है, उसके बाद फिर डिवाइड करना है, और वो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ गई। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम कॉमन चेक करते हैं, इज देयर एनी कॉमन नंबर और लिटरल फैक्टर। सो यहां पे y, यहां पे y नहीं है, तो 3 टर्म्स है, तो तीनों में आपको देखना होगा, देन नंबर भी कोई नहीं है, फिर उसके बाद रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे 3 टर्म्स है, देन वी विल चेक परफेक्ट स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये परफेक्ट है। अब 10 को चेक करते हैं, क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, तो हमें फिर कौन सी करनी है, मिडल टर्म, और मिडल टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर वाले में भी यूज हो जाती है, तो ये चीज ध्यान देना क्योंकि वो यूनिवर्सल मेथड हो जाता है। वाई स्क्वायर प्लस 7y+10, 10 के फैक्टर हमें करने हैं, सो दैट उनको हम ऐड करें तो 7 आए। अब हम करते हैं 1 × 10, देन 2 × 5, उसके बाद ये रिपीट हो जाएंगे, 10 प्लस 1
11, 10 माइनस 1, 9, 2 प्लस 5, 7, 7 आ गया, प्लस किया हमने, तो दोनों किस में होंगे, प्लस में, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10, ये हमारे पास हुआ। उसके बाद डिवाइड बाय y प्लस 5 एज इट इज चलेगा, ये जब तक फैक्टर नहीं होते हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट टू लास्ट टू टर्म्स इनका फैक्टर करेंगे हम, तो y यहां से कॉमन y प्लस 2, यहां से 5 कॉमन y प्लस 2, डिवाइड बाय y प्लस 5, यहां से y प्लस 2 कॉमन होगा ये और इनसे, देन विद इन ब्रैकेट यहां से y बचा यहां से 5, ओके, डिवाइड बाय, अब जो ये डिवाइड है इसको मैंने y प्लस 5 डिनोमिनेटर में नोट किया, ये कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास आंसर y प्लस 2, ओके। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो सारा यूज हो गया इसमें। अब यहां देखते हैं हम, 32 है ये, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, 32 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कॉमन भी नहीं है इसमें कुछ भी, तो उसके बाद मिडल टर्म करेंगे, 1 इंटू 32, देन 2 इंटू 16, 3 की टेबल में नहीं आता, देन 8 इंटू 4, उसके बाद ये रिपीट होगा। अब इनके फैक्टर देखते हैं, जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 14, 1 प्लस 32, 33, 32 माइनस 1, 31, तो ये नहीं होगा, 2 प्लस 16, 18, 16 माइनस 2, 14, तो आगे ये माइनस में हमारे पास ये वाला हमारे पास आएगा। अब कैसे डिसाइड करना है, जो ग्रेटर नंबर है वो प्लस होगा और दूसरा माइनस में होगा, ओके, क्योंकि हमने माइनस किया है ना, तो एक नंबर प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, जो ग्रेटर है वो माइनस होगा। एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 डिवाइड बाय m प्लस 2, यहां से कॉमन लेते हैं हम, m कॉमन आया m माइनस 16, यहां से 2 कॉमन आएगा m माइनस 16 डिवाइड बाय m प्लस 2, फिर से यहां से देखते हैं हम, अब यहां पे क्या आएगा कॉमन, m माइनस 16 m माइनस 16, ये कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट प्लस 2 डिवाइड बाय m प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, क्या आया m माइनस 16, दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है, सबसे पहले आप कॉमन चेक करोगे, तो इसमें कॉमन क्या है, यहां पे 5 कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है, 5, 25 और 20 का एचसीएफ लेके देखिए, उसमें से 5 आएगा, तो 5 कॉमन, 5 विद इन ब्रैकेट क्या बचेगा, 5 से डिवाइड किया तो यहां पे पी स्क्वायर, यहां पे 5 से डिवाइड किया तो 5p, यहां पे 5 से डिवाइड किया तो 4 डिवाइड बाय पी माइनस 1। अब फिर से इसके फैक्टर होंगे कैसे, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैसे, पी स्क्वायर पी का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, और मिडल में क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम यहां पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, मीन्स 2 टाइम्स नोट करेंगे। अब यहां पे क्या आएगा, 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 ये वाला और p, तो ये क्या है, 2 टू जा 4p, ठीक है, आपको ऐसे देख के चेक करना होगा, लेकिन ये तो 4p आ रहा है और ये कितना है 5p, मीन्स इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला यूज नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे हमें चेक करना होता है, ये देखने में आपको ये परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है लेकिन ये वाली टर्म भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर आपको 4 के फैक्टर करने, तो 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2, प्लस माइनस करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, 5, 1 प्लस 4 5 आ गया, डायरेक्ट ये 5 आ गया, 1 प्लस 4 की है, ठीक है, यानी दोनों नंबर प्लस में है लेकिन यहां पे क्या है माइनस, तो हम दोनों नंबर को माइनस में लेंगे, माइनस 4 माइनस 1p माइनस 4p, दोनों माइनस साइन होते तब भी तो हम ऐड करते ना नंबर को,
प्लस फोर डिवाइड बाय पी माइनस वन। अभी हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टू लास्ट टू, पी कॉमन आया यहां से, पी माइनस वन विद इन ब्रैकेट, यहां से माइनस फोर कॉमन आएगा, पी माइनस वन। माइनस क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया हमने, तो ये माइनस आएगा, डिवाइड बाय पी माइनस वन। अब यहां से क्या कॉमन आया, पी माइनस वन कॉमन है, और विद इन ब्रैकेट क्या होगा, पी माइनस फोर, डिवाइड बाय पी माइनस वन। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, फाइव पी माइनस फोर। दिस इज आवर आंसर। नाउ फोर्थ में देखिए, इसमें भी आपको सबसे पहले कॉमन चेक करना है, क्या कुछ कॉमन है इसमें, नहीं है। फिर इसको परफेक्ट में देखते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर वाले में एक चीज ध्यान देना कि जो लास्ट टर्म होती है ये माइनस में नहीं होती, ये प्लस में होती है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 16 के फैक्टर करने हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, देन 2 तो हो चुका है, 4 इंटू 4। जब आप उनको प्लस माइनस करो तो आपके पास 6 आना चाहिए, 16 प्लस 1 17, 16 माइनस 1 15, 2 प्लस 8 10, 8 माइनस 2 6, 6 आ गया ये हमारे पास। तो यहां पे आपको ये वाला पेयर चूज करना होगा, कौन सा ग्रेटर नंबर होगा प्लस का, वो होगा 8, क्योंकि यहां पे प्लस साइन है, तो आपने माइनस किया है ना, 8 माइनस 2 किया है, तो ग्रेटर नंबर जो बीच में साइन होता है वो होगा y स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16, डिवाइड बाय क्या है, 2yz प्लस 8। ओके, अब इसमें देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में, यहां से कॉमन लेते हैं हम, फर्स्ट टू लास्ट टू, 4yz, यहां से कॉमन क्या आएगा, z, और विद इन ब्रैकेट z प्लस 8, यहां से 2 कॉमन आएगा, z प्लस 8। आप लोग कहां मिस्टेक करते हो, ये साइन नहीं देखते हो कि यहां पे माइनस कॉमन लिया है और यहां पे माइनस कर देते हो, फिर कहते हो हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो ये चीज ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2yz प्लस 8। उसके बाद क्या आएगा, ये कैंसिल कर दो चाहो तो, y से y कैंसिल हो गया, 2z, और इधर क्या आएगा, z प्लस 8 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या आएगा, z माइनस 2। अब एक फैक्टर इसमें कैंसिल हो जाएगा, z प्लस 8, क्या आ गया हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर क्या है, 2z ब्रैकेट z माइनस 2, दिस इज आवर आंसर। ओके, बड़े ध्यान से करना है बच्चे ये क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 5PQ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2P, पी प्लस क्यू। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन है, नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब आपको ये देखते ही पता चल रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है, एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार हम माइनस करेंगे, ये आइडेंटिटी होती है ना, डिवाइड बाय 2p p प्लस क्यू, और कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर रहे हैं, ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली यूज कर रहे हैं आप। ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया हमारे पास, p से p कैंसिल हो गया, 5 बाय 2 क्यू पी माइनस क्यू, दिस इज आवर आंसर। देन इसमें देखिए, इसमें भी यहां पे टू टर्म्स है, तो कॉमन देखते हैं, कॉमन नहीं है, लेकिन ये 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, टू टर्म्स है, लेकिन टू टर्म्स में भी आपको करना होगा, a क्या बनेगा हमारे पास 3x का, और 16 किसका होता है 4 का, तो 4y होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4xy 3x प्लस 4y। अब आपको समझ आया होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम ये प्रॉपर्टी है इसमें भी, 4 3 12, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 3 इंटू, इसको क्या नोट करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आ गया तो ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, अगर नहीं आया तो आपको पहले वो सीखने होंगे। यहां पे एक पे प्लस कर लेते हैं, ये
कैंसिल, हमारे पास क्या आया 3 इंटू 3x माइनस 4y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट 39y क्यूब। अब इसमें सबसे पहले आपको कॉमन लेके देखना होगा, कॉमन देखते हम 39y क्यूब, इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 आपने आउटसाइड द ब्रैकेट लिया, यहां पे क्या बचेगा 25y स्क्वायर और यहां पे क्या बचेगा 49 डिवाइड बाय 26y स्क्वायर, यहां पे कुछ कैंसिल नहीं है, सॉरी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। देन 39y क्यूब इंटू 2, अब यहां पे देखिए ये क्या प्रॉपर्टी बन रही है, 5y का स्क्वायर है ये और ये 7 का स्क्वायर है। ओके अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने लग गए तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है ये वाले, 5y प्लस 7। अब यहां से कैंसिल करते हैं, 13 थ्री 13 टू से 2 कैंसिल हो गया, यहां से क्या है हमारे पास 3y क्यूब, और देखो ये वाला और कर लेते हैं, यहां पे पावर 2 है यहां पे 3 है तो ये क्या पावर बचेगी 1, तो यहां पे 1 और इसको 2 आपको नोट करना है, एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में, डिवाइड बाय 5y प्लस 7, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आंसर आया 3y इंटू 5y माइनस 7। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।